फर्स्ट क्लास जो मुझे अपने स्कूल की याद है वो शायद मुझे डांट करके बाहर निकाला गया था तब याद है, उसके पहले की याद ही नहीं है। और मैंने क्या गलती की थी किसी बच्चे के साथ कुछ, आई थिंक इट वॉज 1982। फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर अबाउट माई स्कूल, स्कूल में जाना किसी को पसंद नहीं होता, मैं भी छोटा सा जब 1982 में मैं था ऑलमोस्ट 6 साल का, और क्लास थी शायद फर्स्ट या सेकंड थी, मुझे क्लास 12th, उसके बाद फिर MBBS सेकंड ईयर तक मुझे नहीं मालूम था मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। हम लोग केवल इसलिए जाते थे स्कूल क्योंकि पेरेंट्स डांट कर भेजते थे, नहीं गए तो मार पड़ेगी। कभी किसी दिन कोई फंक्शन हो गया, छुट्टी हो गई तो बड़ा मज़ा आता था। पढ़ाई बिल्कुल मुझे पसंद नहीं थी अंटिल 3-4 years back, 3-4 साल पहले एक मैजिक हुआ। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। मुझे 3-4 साल पहले एक मैजिक हुआ जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करने का बहुत मन हुआ, और उसके भी पहले 2003 में ये बहुत बड़ी मैजिक हुई थी मेरे साथ, ये मैं बाद में बताऊंगा। जेन योगा है ये, दिस इज द वन बुक विच हैज हेल्प मी टू स्टार्ट लविंग बुक्स। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी बुक्स, इसने मुझे सिखाया है कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, कैसे पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, ये सब कुछ इसने सिखाया। बट 2000 ये हमारा जो माइंड है ना, ये ऐसा कोई मशीन की तरह है जिसमें से कि कुछ सामान निकलता है, बहुत वैल्यूबल सामान, उसको कुछ लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, फोकस कहते हैं, ये उससे ज़्यादा वैल्यूबल है। जो भी आप चीज़ें याद करते हो, जो भी थॉट्स, जो भी बुक्स के वर्ड्स आप याद करते हैं, उसको एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस करते हैं, ये आपका जो माइंड है उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ प्रोड्यूस करता है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो थिन एयर बेसिक, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ से कुछ भी पैदा कर सकता है। और अगर इस माइंड को हमने समझ लिया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर हमने इस माइंड को समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, तो दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ आवर द होल थिंग। बिकॉज दुनिया में जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने लोग अमीर हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, वो सब इसी माइंड की वजह से हुए हैं। और इसका एक उल्टा साइड, जितना भी लोग दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, परेशान हुए हैं, वो भी इसी माइंड की वजह से हुए हैं, लेकिन उनको ये माइंड कैसे काम करता है पता नहीं है। कर्फ्यू जब आया था यहाँ पे, उस बच्चे ने क्या किया था, उसने एक वीडियो बना दिया, आपके स्कूल के बच्चे ने एक वीडियो बनाया था, पता है ना आपको। एक बच्चा यहाँ था, अभी वो इस साल उसका 12th पास हुआ है, खैर तो जेल चला गया था, ही मेड अ वीडियो, उसमें कम्युनल हिंदू मुस्लिम का कुछ उसने बनाया, गाली वाली डाली, और उसको पता भी नहीं था बेचारे को कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। उस चक्कर में मालूम है क्या हुआ था ना, उस दिन जिस दिन ये राइड्स हुए थे, एक आदमी बेचारा कहीं शायद बार्बर की दुकान से, नाई की दुकान से या किसी डॉक्टर की दुकान से बाहर आया था, और हिंदू मुस्लिम के राइट्स में उसके ऊपर गोली चल गई, यहीं लखीमपुर में। मैं उस समय था नहीं लकीली यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लखीमपुर कर्फ्यू आया था। क्या वो बच्चा चाहता था कि इस तरह का राइट्स हो यहाँ पर? नहीं, वो खाली चाहता था, या मैक्सिमम यही चाहता रहा होगा कि मेरे वीडियोज़ वायरल हो जाएँ, मैं फेमस हो जाऊँ। ज़्यादातर लोग हम यही चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएँ, लोग हमारे बारे में बात करें, और ये नॉर्मल सी इच्छा है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये गलत तरीका है फेमस होने का। और ये फेमस होने का गलत तरीका ये क्यों नहीं हमारे माइंड ने बताया कि गलत तरीका है? उसको ये क्यों नहीं मालूम पड़ा कि ये पेट्रोल पंप टाइप की जगह है जहाँ पर अगर माचिस जलाया तो बॉम्ब फट सकता है, आग लग सकती है? और मुझे नहीं मालूम था ये चीज़ पहले, जब तक मुझे ये बुक्स नहीं मिली होती। ये बुक्स मैंने किसी स्कूल के लिए नहीं पढ़ी, किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ी। असली पढ़ाई तभी चालू होती है जब आप पढ़ाई करते हो बट किसी भी कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ाई करते हो, किसी करियर के लिए पढ़ाई करते हो, किसी को शो ऑफ करने के लिए पढ़ाई नहीं करते हो, यू रियली वॉन्ट टू नो समथिंग। जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हो या फेसबुक खोलते हो या मेल खोलते हो या किसी की पर्सनल डायरी खोलते हो, तो उसमें आप जानना चाहते हो ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसी बंदे ने मेरे बारे में क्या कमेंट किया है। योर डिज़ायर टू नो समथिंग, when that pushes you to read,
दैट इज द रियल मैजिक दैट स्टार्ट्स। आपसे मैं आज शेयर क्या करना चाहता हूं, कितना भी कमजोर बच्चा हो, कितना भी फेल होने वाला बच्चा हो, टीचर को, पेरेंट्स को, किसी को भी लगता हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये बात हमारे मन में बैठ जाती है। जब कोई बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो आपके मन में बैठ जाती है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। और जब अगर कोई बाहर से कोई भी बंदा मुझे बोलता है ना, यार तुम्हारी क्लास बेकार थी, यार तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, तो ये बात मेरे मन में कम से कम दो दिन तक बैठती है। दो दिन लग जाते हैं इसको निकलने में, और निकलता भी कब है, जब कोई चीज़ ऐसी चीज़ देख लूँ जो मुझे रिलैक्स करे, कोई फिल्म देख लूँ या किसी अच्छे फ्रेंड से बात कर लूँ। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमको दूसरे देते हैं, ये हमारे मन में, हमारे बॉडी में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई कांटा या कोई बीमारी, वो निकलती नहीं। और ये बीमारी बचपन से लेकर के, मतलब क्लास फर्स्ट सेकंड जब से भी आपको होश आया हो तब से लेकर आज आप 9th में हैं, बहुत से बच्चों में बैठ चुकी होगी कि यार मैं तो भाई 60% से ऊपर नहीं पा सकता, मैं तो फेलियर बच्चा हूँ। बैठते हैं रोज़ अपने आप को, हम सब ऐसे महसूस करते हैं जैसे बाहर आप उनको देखें, मजदूरों को, मजदूर कभी आपसे बात भी करेंगे तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, वो आपके यहाँ काम करने आएंगे तो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, दे फील दे डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। वो हम लोग कभी भी रोड पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे, वो रोड पर बैठकर खाना खा जाएंगे, फटे कपड़े पहन लेंगे। मैं जब अल्ट्रासाउंड करता हूँ बहुत से गरीब किसान आते हैं, किसी का कपड़ा यहाँ फटा है, किसी का, मतलब मैं, मुझे बहुत ख़राब लगता है इन लोगों के लिए कि इतने गरीब होकर के ये लोग अल्ट्रासाउंड पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, जाके पहले कपड़ा खरीदें। और बहुत से तो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी नहीं होती, 700 रुपये लगते हैं। अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट होता है पेट का, शुरू में अगर आपको पेट दर्द हो रहा है 2-3 दिन के अंदर तो आपको सिंपल दवाइयाँ खाने से आराम हो सकता है, लेकिन फिर भी बेचारे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अमीर भी कराते हैं। बट पॉइंट ये है कि हम सब में से ना बहुत से लोगों के मन में आसपास की वजह से, लोगों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, दुश्मनों की वजह से ये बात बैठ जाती है कि हम केवल इसी लायक हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कुछ खोजना भी नहीं चाहते। अच्छा, ये जो बातें लोग कहते हैं हमारे बारे में और हमारे मन में बैठ जाती हैं, ये धीमे धीमे हमारा एक खास वर्ड है, ये मैं बहुत दिनों तक यूज़ करता था, कभी समझता नहीं था इसका मतलब। व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ सो एंड सो, व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ अ बुक, व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कैरेक्टर को, चरित्र। ये चरित्र किसी भी चीज़ का कैसा होता है ये मुझे मालूम नहीं। तो ह्यूमंस का जो कैरेक्टर बनता है वो लोगों के व्यूज़ से बनता है। कोई आदमी हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई हमारे बारे में कैसे ओपिनियन बनाता है, और ये चीज़ अगर हमको नहीं पता कि हमारे बारे में जो हमारे लोग ओपिनियन बनाते हैं, और उससे धीमे धीमे हमारे खुद के ओपिनियन बन जाते हैं हमारे बारे में। ओपिनियन मतलब समथिंग फिक्स्ड। अगर किसी ने मेरे बारे में ये मान लिया कि मैं चोर हूँ, मैंने छोटी सी चोरी की, लेट्स से मेरे घर में मुझे बहुत अर्जेंटली 5 रुपये चाहिए और कहीं से मैंने 5 का सिक्का उठा लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं 5 का सिक्का उठाना, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी ने मुझे चोर मान लिया तो वो बात मेरे दिमाग में ज़्यादा गहरे बैठ जाएगी बजाय उस 5 रुपये के सिक्के के। वो 5 का सिक्का मैं वापस भी कर सकता हूँ लेकिन वो बात मैं वापस नहीं निकाल सकता। अनटिल अनलेस मुझे पता हो मेरा माइंड कैसे बिहेव करता है और उसको कैसे अलग कर करके नए सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं माइंड। ये चीज़ मैंने खोजी ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले, स्कूल से निकलने के बहुत दिन बाद। ऐसे ही मैं एक लाइब्रेरी में जा रहा था, घूम रहा था, मैं बहुत परेशान था उस दिन, 31st of December 2002 or 2003 था शायद, दिस बुक वॉज देयर। और मैंने जब उसको निकाला तो पीछे देखा इसमें ढेर सारे ऐसे मैथमेटिकल डायग्राम्स थे, ट्रायंगल्स और सर्कल्स, और मुझे लगा ये क्या है, और उसमें पता है क्या नीचे लिखा है, दीज आर, ये पता है इसमें बुक में लिखा है कि ये सब हमारे माइंड के सेंटर्स हैं। हाँ, इसमें लिखा है फर्स्ट फाइव सेंटर्स इन द ज्योमेट्रिक रेशियो ऑफ द माइंड। ये देखिए, द सेंट्रल स्टार एट द माइक्रोकॉस्मोस, स्टार के बारे में मैथमेटिक्स का। मुझे लगा ये क्या अजीब चीज है यार, मुझे लगा पहली बार किसी साइंटिस्ट ने, किसी साइकोलॉजिस्ट ने मैथमेटिकली माइंड के बारे में कुछ डिस्कवर किया है। और लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं थी मेरे हिसाब से, तो मैंने पढ़ना शुरू किया इसको। ये बुक जब मैंने लेकर गया था घर पे, शुरू के 10-12 पेज पढ़े होंगे, फिर मैं सो गया। मुझे सपने में कोई एक्सपीरियंसेस आए, सपने हम सब देखते हैं, लेकिन वो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, कभी भूलते ही नहीं।
उसमें से एक ऐसा सपना मुझे आया जो मैं कभी आज तक कभी भूला नहीं, और मुझे बहुत साल बाद पता है सपना क्या देखा मैंने, मैंने देखा कि एक बंदा मुझे सपने में आकर के कुछ दे रहा है, कोई ऐसी चीज, और बोल रहा है ये बहुत कीमती है, ये मैं सच बता रहा हूं। आप मेरी वाइफ से पूछेंगे, मेरे भाई से पूछेंगे, सबको ये पता है। और वो आदमी मुझे कुछ देता है सामान, बोलता है अगर इसको संभाल के रखोगे और उसको यूज करोगे तो इसका साथ तुम बहुत बहुत ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट उसने और अजीब की चीज कही थी, उसने मुझे एक स्टैचू दिया था किसी जानवर का, बैल वैल का, और उसने मुझसे कहा कि अगर इसको तुम जिंदा कर सकते हो। हाँ, तो उस आदमी ने मुझे बोला कि ये ऐसे, मुझे लगा स्टैचू है यार, स्टैचू को क्या कर सकता हूँ, तो इसे इसको जिंदा करो और इसके ऊपर बैठ कर तुम उड़ सकते हो। मैंने कहा यार बकवास करो, कोई भैंस के ऊपर उड़ता है क्या? बट वो उसने पता है क्या दिखाया मुझे, उसने दिखाया कि ही वॉज सिटिंग ऑन अ बफेलो एंड ही वॉज फ्लाइंग। सपने में भी अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के खिलाफ कोई चीज़ देखें तो आपको अजीब लगती है। सपने में अगर आप खुद उड़ रहे हैं, कोई और उड़ रहा है, बर्ड्स तो उड़ते हुए ठीक है, हवाई जहाज भी उड़ते हुए ठीक है, लेकिन कोई आदमी या जानवर उड़ रहा है तो अजीब है। ऐसी कोई अजीब चीजें होती है तो आपको बहुत दिन तक याद रहती, मुझे याद थी। फिर मैंने सपने में, मुझे पता नहीं क्या समझ में आया, मैंने उस स्टैचू के ऊपर पानी डाला, बिकॉज कहीं स्कूल में पढ़ा था लाइफ इज वाटर इज लाइफ, तो मैंने सपने में पानी डाला उसके ऊपर और वो जिंदा हो गया वो स्टैचू। फिर उसके ऊपर बैठ करके मैं शुरू में छलांग लगा रहा था, तो पहले 2-4 कदम, फिर 10-15 कदम, फिर 50-60 कदम, फिर मैं बहुत लंबा तक उड़ सका। मुझे भी बड़ा अजीब लगा इस चीज़ को। बट व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, 4-5 बज रहे थे और मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। पहली बार मैंने कोई बुक बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी के फोर्स किए 70-80 पेज पढ़ लिए, और हर पेज पढ़ने के साथ मुझे ऐसा लगा था, ओ माय गॉड यार, मुझे स्कूल में क्यों नहीं बताया इसको। फिर मुझे लगा स्कूल में क्यों नहीं बताया, बिकॉज स्कूल में किसी को पता ही नहीं है, टीचर्स को भी नहीं पता ये सब चीज़, डॉक्टर्स को भी नहीं पता ये सब चीज़, ये सब चीज़ें स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। स्कूल्स में हमको क्या पढ़ाते हैं पता है, जो चीज़ हमारे जॉब के लिए ठीक हो, मैथ्स हमारे जॉब के लिए ठीक है, केमिस्ट्री हमको पढ़ लेंगे तो शायद कहीं नौकरी लग जाएगी, अकाउंट्स करेंगे तो किसी आदमी का अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। एनीवेज, मैंने अपने आप को फिर भी लाइफ को थैंक्स बोला कि कम से कम 2003 में ही सही मुझे मालूम पड़ गया कि ये क्या है, मुझे मालूम पड़ गया मेरा माइंड कैसे काम करता है। हम लोगों का माइंड में 3 अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, एकदम अलग, जैसे बिजली का तार होता है, उसका काम है बिजली को ट्रैवल कराना, ये काम हम पानी के पाइप से नहीं कर सकते। अगर पानी का पाइप लिया लोहे का और उसके साथ बिजली का तार लगाया और बिजली दौड़ाने की कोशिश की तो क्या होगा, इसमें करंट आ सकता है। ठीक ऐसे ही हमारे माइंड में 3 अलग-अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इसी का मैंने नाम रखा है IES, वो बुक पे रखा है, इसमें अलग डिफाइंड है अलग। आई मतलब इंटेलिजेंस, जो भी चीज आप, जब भी चीज, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज, खेलने की चीज, एंजॉय करने की चीज, पढ़ने की चीज, किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। कितना भी शैतान बच्चा हो, जब वो कुछ सीख रहा होता है, छोटे से बच्चे भी जब सीख रहे होते हैं उनका माइंड बहुत फोकस्ड होता है। देखा है जब कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं आप, आपका माइंड वहीं डाउनलोडिंग पे रहता है, कहीं रुक ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना कर दे, वो डाउनलोडिंग के समय जब आप अपना माइंड वहां लगाते हैं, दैट इज फोकस, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ये वो एंटिटी है, इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी हमारे माइंड का वो सेंटर है, वो चीज है जिसके जरिए हम हर चीज सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसके बगल में एक ऐसी चीज है जिसका काम सीखना नहीं है। ई सेंटर का काम है चीजों को केवल फील करना, और फील करने में या तो वो पॉजिटिवली फील करता है या नेगेटिवली फील करता है, या तो उसको गुस्सा आता है ऐसा मुझे अभी आया था, या उसको अच्छा लगता है जैसे आपको अभी हंसी आ रही है, वो इमोशन है। उसका काम ये नहीं है कि सीखूंगा मैं, उसका प्लेन काम है चीजों को फील करना। और जिंदगी में हम यही मिस्टेक कर देते हैं, ये दोनों आपस में जब बगल बगल में इनका घर है, ऐसे कोई बच्चा हो वो ज्यादातर इंटेलिजेंस की तरीके से काम करे और एक बच्चा हो इमोशन की तरह काम करे, वो हर चीज को मजाक बनाएगा, या तो मजाक या तो मायूसी,
जब क्लास में है, कुछ सिखाया जा रहा है तो हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो रोएगा। ये इमोशन की तरह है। और इंटेलिजेंस क्या काम करता है, हर चीज को सीखता है। बट प्रॉब्लम ये है, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बगल बगल में होते हैं। हमारे थॉट्स, यार ये अभी देख, मुझे मैं बताता हूँ तेरे को इसमें पता है क्या करना है। सबसे पहले तो जाके क्लिक करना है वहां पे राइट साइड में, अपर में एक लाल बटन है, उसको क्लिक करने के बाद वो एक क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा तो मुझे बताओ उसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। हम लोग डिस्टेंसली किसी को पढ़ा सकते हैं, फोन पे किसी को बता सकते हैं किसी वेबसाइट को कैसे खोला जाए। लेकिन अगर वही चीज बुक्स में करना हो तो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज उस समय उस बुक्स के साथ हमारा इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ है, और उस वेबसाइट के साथ हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ है। वी एंजॉय इट। और इमोशंस क्या होता है? इमोशंस पहली बार किसी भी चीज के साथ जो पहला आपका इंटरेक्शन होता है, दैट क्रिएट्स योर इमोशन। आप केमिस्ट्री की क्लास में पहली बार बैठे और कोई ऐसा टीचर आ गया जो बहुत परेशान है खुद, और उसने आपको बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया, या पढ़ाते पढ़ाते आपको डांट दिया, फिर आपको जिंदगी भर के लिए केमिस्ट्री याद रहेगी एज अ बोरिंग स्कैरी सब्जेक्ट। सोचिए, साइंटिस्ट लोगों को केमिस्ट्री के बारे में पता है कैसे मालूम पड़ा था? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे मालूम पड़ा था? नोबेल प्राइज मिला था उसको सपने में। वो सपने में उसने देखा दो सांप ऐसे टेढ़े मेढ़े ऊपर जा रहे थे। देन ही रियलाइज दैट हो ना हो सांपों की तरह ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। पता है आपको ना, डीएनए ऐसा गोल गोल होता है और उसमें बीच में लाइन्स होती हैं, और उसमें अलग अलग जगह पर प्रोटीन्स इकट्ठे होते हैं, और ये प्रोटीन्स अगर यहां से निकल के यहां डाल दिया तो आदमी से हटकर जानवर बन सकता है, या तो यहां से निकालकर एक प्रोटीन गायब हो गया तो ऐसा हो सकता है कि आपके पैदाइशी आंख ना हो। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, पैदा होने से पहले ही उन बच्चों के हाथ नहीं होते बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द डीएनए। बहुत से बच्चों को देखा होगा आपने, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। छोटा सा कोई प्रोटीन डीएनए के अंदर में अपनी जगह से निकलकर कहीं और लग जाए, या उसमें गायब हो जाए, या एक्स्ट्रा हो जाए, गॉन। इस चीज के बारे में किसी बंदे को सपने में कैसे मालूम पड़ सकता है? बिकॉज समवेयर उसका इमोशंस केमिस्ट्री के साथ या जो भी चीज पढ़ रहा था उसके साथ जुड़ा हुआ था। अगर ये चीज हमको मालूम पड़ जाए तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको इन दो सेंटर्स का डेफिनेशन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इफ यू लेट मी पढ़ के सुनाओ। आई सेंटर एंड ई सेंटर, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। आई वॉन्ट टू रीड द डेफिनेशन ऑफ इट। प्रॉपर डेफिनेशन दिया है इसमें। मैं इसको पढ़ने के पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस ऑथर को जिसने भी लिखा है, इसको मैंने बहुत खोजने की कोशिश की। 2003 में मुझे बुक मिली थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 2012 या 13 में मैंने उनको बहुत बहुत खोजा। जब मेरे पास पैसे रुपए आए थे, पहली जॉब मिली, मैंने नेट पे खोजा, मैंने पब्लिशर को कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से मुझे एड्रेस भी मिल गया। बट जब मैंने कॉन्टैक्ट किया तो पता चला वो रहते नहीं अब दुनिया में। वो 2011 में उनकी डेथ हो गई, बट 2012 में ही केम टू माई ड्रीम्स एंड टॉट मी। ही कीप्स कमिंग टू मी एंड टीचेस मी। या तो मेरी इमेजिनेशन है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधी जी दिखते थे उसको, या तो ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसकी वजह से सचमुच में, हो सकता है कोई मास्टर आकर मुझे पढ़ाते हो। ऐसी बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में जिक्र है, लोग आकर पढ़ाते हैं मास्टर साहब। अच्छा, उसके बाद 2006 में एक और बड़ा मैजिक हुआ। मुझे डॉक्टर सहर, इनका नाम है डॉक्टर पीजे सहर, जर्मनी से मुझे मेल आया, इनके घर से, जर्मनी में रहते हैं, मुझे एक मेल आया, प्लीज डोंट स्टॉप दिस वर्क। जो मुझे सपने में एक मैसेज मिला था 2003 में, मुझे सपने में, अब उसके बाद अब रियल वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में ये चीज, किसी ने मुझे मैसेज भेजा, मेल भेजा, मेरे पास मेल पड़ा हुआ है, प्लीज डोंट स्टॉप दिस वर्क। तो मुझे लगा चलो अच्छा ठीक, एक काम करते हैं, सहर जी की और कोई बुक्स है तो उसको भी पढ़ेंगे। मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो दो बुक्स और है, वैसे तो 37 बुक्स लिखी है उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर सब इंग्लिश में, अरे जर्मन वर्ड लैंग्वेज में, जर्मन मुझे आती नहीं, इंग्लिश में दो बुक्स और हैं और दोनों बुक्स अवेलेबल नहीं। एक का उसमें लिखा था कॉस्ट ₹10,000 बट नॉट अवेलेबल, और एक बुक का नाम लिखा था बट अवेलेबल नहीं। दो तीन महीने बाद दोनों बुक्स मेरे घर पर पहुँच गई, मैं उनको पढ़ चुका हूँ, मैंने उसके ढेर सारे वीडियोस भी बनाए हैं।
और ट्रस्ट मी, आज तक मैंने इनसे ज़्यादा पावरफुल बुक्स नहीं पढ़ी। मैं खाली उन लोगों को पढ़ाता हूँ ये बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड होते हैं माइंड के बारे में या मिस्टिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए। आई सेंटर क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, ये हम सब के अंदर में होता है, ठीक है। लेट मी रीड द डेफिनेशन। सहज जी कह रहे हैं आई सेंटर मीन्स अ रैशनल रिफ्लेक्शन कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली डन, सोचा समझा रिफ्लेक्शन। अरे ये तो बकवास है, इसका तो कुछ ना, ये सोचा समझा रिफ्लेक्शन नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये सोचा समझा रिफ्लेक्शन नहीं। सोचा समझा रिफ्लेक्शन मतलब यार ये क्या है, ये किस चीज का बना हुआ है, वेट लेट मी चेक, ये मेटल है कि वुड है, कैसे मालूम पड़ेगा, अगर माचिस से आग लगाएंगे तो जल पाएगा तो दैट इज वुड, पानी में भीग जाएगा तो वुड है। ऐसे ही जब आप सोच समझ के कोई चीज के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं दैट इज आई सेंटर, इट इज अ रैशनल सोचा समझा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जानते हैं ना, जब आप किसी चीज को सुनकर ऐसे सोचते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। पिछले हफ्ते मैं बाइक पर जा रहा था और एक बंदा मुझे दिखा, लड़का दिखाई दिया, मैं सोच रहा था कहाँ है कहाँ है, मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं बाइक चलाते चलाते सोच रहा हूँ मैंने कहाँ मिला हूँ कहाँ मिला हूँ कहाँ मिला हूँ, दिस इज रिफ्लेक्शन। हम भी करते हैं बहुत बार, इसको कहीं देखा है कहाँ देखा है कहाँ देखा है, दैट इज रिफ्लेक्शन। सो कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली डन रिफ्लेक्शन, इसका एम क्या होता है रिफ्लेक्शन का, इट्स एम इज नॉलेज, आप जानना चाहते हैं एग्जाम के लिए खुद के लिए, थ्रू अ बैलेंस्ड माइंड। ऐसा नहीं कि आप उस नॉलेज को यूज करके किसी को मारना चाहते हैं, किसी को विध्वंस करना चाहते हैं, ना, यू वॉन्ट टू नो, बैलेंस्ड माइंड एज वेल एज डिसीजंस देयर फ्रॉम, आप किसी चीज को जानने के बाद राइट डिसीजन लेना चाहते हैं। सर मैं मेडिकल करूं या इंजीनियरिंग करूं, मैं आईएएस की तैयारी करूं या आरटीओ की तैयारी करूं, कौन सी चीज है जो मैं कर पाऊंगा, किस करियर को मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। इस डिसीजन को बनाने के लिए व्हेन यू रियली थिंक कॉन्शियसली, सोच समझ के, सोच समझ के मतलब कोई और आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, कोई डरा नहीं रहा है, आप खुद बैठे हैं और खुद सोच रहे हैं। जैसे आप खाने के बारे में सोचते हैं, रेस्टोरेंट में मेन्यू आपके हाथ में आया, उसको पूछते हैं यार तीखा तो नहीं है, इसमें मिर्च तो ज़्यादा नहीं है या मसाला तो है ना अच्छा, यू थिंक सीरियसली अबाउट इट। इसको संस्कृत में इसको इहा बोलते हैं, IHA। इसका यह का मतलब क्या होता है, योर विल टू नो। बहुत बार ऐसा होता है अवर विल टू डिस्ट्रॉय समबडी, हम चाहते नहीं नहीं इसको तो मैं बर्बाद करके रहूंगा, दैट इज अ डिफरेंट विल। यह मतलब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, दैट इज इहा। दिस दैट डे 2003 आई डिसाइडेड आई लेफ्ट माई जॉब, उसी दिन मैंने जॉब छोड़ दी एक, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया हो न हो आशीष अगले 10 साल तक इस बुक को मैं पढ़ूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए बार बार पढ़ूंगा। योर विल टू नो मीनिंग the conscious and programmed analysis undertaken with the view to know exact integer of a thing, of a person or a situation solely by means of unbiased reasoning। किसी आदमी के बारे में यार मैं जानता नहीं वो आदमी अच्छा है कि बुरा, तुम investigate करो। देखे government क्या करती है, investigation बिठाती है। क्यों? अगर किसी ने complaint कर दिया किसी चोर के बारे में या किसी बिजनेसमैन के बारे में, तो पुलिस जाकर उसको जेल में क्यों नहीं डाल देती, बिकॉज पता है लोगों को कि हो सकता है कोई बायस्ड हो, बायस जानते हैं, हो सकता है कोई किसी को पसंद ना करता हो, 100 साल हो गए निग्रोस को वाइट्स पसंद नहीं करते थे, लिंचिंग करते थे, पता है आपको लिंचिंग, पता है लिंचिंग क्या होती है, पेड़ में लटका के चमड़ी निकालना, पीपल यूज टू लिंच, अगर किसी निग्रो ने किसी गरीब ने अमेरिका में किसी अमीर के साथ बात कर ली या अफेयर कर लिया, ग्रुप्स ऑफ पीपल इकट्ठे होकर के उसको मार डालते थे, तड़पा तड़पा थे, ये कोई अनबायस नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ गुस्सा था, इसको बोलते हैं बायस्ड। जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं वो सब बायस्ड होते हैं, हम हैं हिंदू हिंदू को पसंद करते हैं, हम मुस्लिम हैं मुस्लिम को पसंद करते हैं, क्यों पता नहीं, जिसका रीजन आपको पता नहीं दैट इज बायस्ड। तो आपका आई सेंटर इज, ठीक है यार ये बुक पसंद नहीं है हम लोगों को, बट ये है क्या सीक्रेट बताऊं, पेन ले लीजिए और अपनी बुक को गंदा करना शुरू करिए, अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर इंटरेस्ट पैदा करना है किसी बोरिंग चीज में, कितना भी स्लो प्रोसेस हो, 10 साल लग जाए,
लेकिन अगर आपने अंडरलाइन करना शुरू किया, मैंने यही किया इसमें, ढेर सारे वर्ड्स जो मुझे समझ में नहीं आते और बहुत से वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, सबसे पहले सेंटेंस पेज में सबसे पहला वर्ड मुझे नहीं आता था इसमें, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं धीमे धीमे समझ लेंगे। इसमें लिखा था एरुडाइट, द एरुडाइट ऑफ मिस्टर सहर। एरुडाइट पता नहीं था मुझे, गूगल खोलिए उसका मतलब खोज करके वहाँ गंदा करके लिखिए, बिकॉज अगली बार जब आप बुक खोलें दैट वर्ड शुड बी देयर, हिंदी का मतलब तुरंत वहाँ होना चाहिए। अगर खोजना पड़ा कहीं और तब हम आलस आ जाएगा हमारी बॉडी। किसी आदमी के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जब आप एग्जैक्टली सही चीज जानना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड आई सेंटर। इसको वेदों में सत्व गुण भी कहते हैं। तीन गुण होते हैं, कृष्णा ने तीन गुणों के बारे में बात किया है गीता में, सत्व, रजस और तमस। मुझे पहले लगता था सत्व गुण मतलब कोई साधु वाधु वाला होगा यार, आश्रम में बैठ करके पूजा पाठ करो, अगरबत्ती जलाओ, सत्व तो वही लगता है ना, सच, गॉड। सत्व मतलब राइट, वॉट एवर इज राइट, इफ यू वॉन्ट टू नो दैट, दैट इज आई सेंटर। ई सेंटर क्या होता है, बड़ी मजा, बड़ी कमाल की चीज़ है। जब मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा आशीष भाई तुम तो पागल थे, 10 साल से तुमने ढेर सारी गलतियां की और ये सोच करके वो सही हैं। बहुत सी बेवकूफियां की मैंने, मैंने अपने पेरेंट्स को उल्टे जवाब दिए, जबकि वो मुझे पैसे देते हैं, मेरी मेरा प्रॉफिट उन्हीं से आता है, मेरा खर्चा उनसे आता है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बदतमीजी से बात की। मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूँ आप सही से बात करिए, जस्ट लुक एट दिस व्हाट ई सेंटर इज। ई सेंटर मीन्स अ फोकस और द पॉइंट ऑफ द माइंड वेयर ऑल अटेंशन इज ग्रैब्ड। हम सब आराम से पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, अचानक से कहीं किसी ने आपका नाम लेकर के गाली दे दी, छोटी सी गाली, आशीष तो साला डैश है, इसलिए कहा कितना भी इंटरेस्टिंग चीज में पढ़ाई कर रहा हूं मेरा माइंड वहां पर फोकस्ड हो जाता है। मैं इसलिए पकड़ के रखा हूं बिकॉज कुछ भी कोई करे वापस नहीं आता। ई सेंटर मीन्स ऑल आवर माइंड्स एबिलिटी टू डाइवर्ट आवर अटेंशन टू क्रूड और नोबल इमोशंस। इसीलिए कोई अगर तारीफ कर देता है तो हमको अच्छा लगता है बिकॉज वो आदमी के पास हमारा पूरा अटेंशन पकड़ में आ जाता है, और कोई गाली दे देता है तो वो भी आदमी मुझे बहुत पकड़ के रखता है बिकॉज हमारा माइंड का ई सेंटर ने उसको पकड़ लिया है, या उसने हमारे माइंड के ई सेंटर को पकड़ लिया है। ये बहुत लंबा डेफिनेशन है, आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास, आई होप टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोज़ आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। और हाँ, अगर आप टूनिंग करते हैं तो ये वीडियोज़ हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।